अस्सलाम वालेकुम, ये है नोकिया 5310 का रिटेलिंग बॉक्स पैकेज। इस फ़ोन के बॉक्स का कलर भी वाइट रखा गया और सबसे मज़े की बात इसके अंदर फ़ोन भी वाइट कलर का है। बॉक्स के पीछे साइड पे आपको 2.4 इंच का डिस्प्ले मेंशन किया गया, डुअल स्पीकर मेंशन किया गया, FM रेडियो मेंशन किया गया, बाकी आप खुद पढ़ लेना। चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। इससे पहले मैंने नोकिया का कोई भी फ़ोन अनबॉक्स नहीं किया, तो भाई जैसा भी ये उल्टा पुल्टा हुआ मैंने अनबॉक्स कर दिया। तो अब देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। एडवांस टेलीकॉम की तरफ से 1 साल का इस फ़ोन का वारंटी कार्ड है। ये बेसिकली बाहर होता है, तो पहले ही फ़ोन मैंने अनबॉक्स किया था इसलिए इसको ऊपर रखा है। ये है जी हमारा नोकिया का 5310 AKA XPEX म्यूजिक। मैंने आपको पहले बोला था मेरा पहला एक्सपीरियंस है नोकिया की अनबॉक्सिंग का। फ़ोन के लुक की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट्स की। मुझे तो ये देख के हैरानी हो रही है, अगर हम 15 से 20 हज़ार का कोई फ़ोन लेते हैं तो भाई उसमें कंपनी हैंड फ्री नहीं दे रही, लेकिन अगर बात करें 5 से 6 हज़ार के प्राइस टैग की तो भाई वहाँ पर जी हाँ आपको हैंड फ्री देखने को मिलती है। और ये नोकिया की एक टिपिकल हैंड फ्री है और जो कि देखने में भाई काफ़ी अच्छी लगती है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ख़ासतौर पर इसके माइक्रोफोन की। और इस बॉक्स में एक चार्जर भी देखने को मिल जाता है। ये चार्जर वही है जो कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी नोकिया अपने फ़ोन में डाल के भेजता था, अभी तक वैसा ही चार्जर है, बहुत ही ये पुराना डिज़ाइन है, अभी नोकिया ने चेंज नहीं किया। और भाई मोबाइल और बैटरी की इतनी बनती नहीं आपस में, तो इन दोनों को इसलिए अलग-अलग भेजा है इन्होंने। और साथ में एंड पर आपको एक यूज़र मैनुअल जो कि फालतू के किताबचे होते हैं ये भी देखने को मिलते हैं। क्यों ना मैंने सोचा कि आज इसको पढ़ ही लूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बाद में वापस फिर ही रख दी इसको। इस फ़ोन में टॉप पर आपको माइक्रो USB का जैक और साथ में चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बॉटम पर आपको कुछ नहीं दिया गया और बैक पे आपको एक कैमरा, LED फ्लैश और नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम अप और डाउन की बटन देखने को मिलते हैं, जैसा कि एक स्मार्टफोन में दिए जाते हैं। और भाई ये काम भी करते हैं, इनका भी हमने टेस्ट किया है, एंड पर लाजमी देखिएगा। इस फोन में फ्रंट पर आपको 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं, 1 स्पीकर ऊपर दिया गया और 1 स्पीकर नीचे की तरफ दिया गया। ये दोनों स्पीकर चलते हैं भी ये नहीं चलते, ये भी हमने टेस्ट आउट किया है इस वीडियो में। इस फोन में जो नोकिया ने 2.4 इंच का डिस्प्ले लगाई है, देखने में ऐसा ही लगता है कि ये कर्व डिस्प्ले है, जैसा कि आपको सैमसंग एज में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं, डिस्प्ले अंदर वैसा ही है। ऊपर जो प्रोटेक्शन दी गई है प्लास्टिक की, उसको कर्व किया गया है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है भाई, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है फ़ोन। इस फोन में जो साइडों पे लाल बटन दिए गए हुए देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, उस फोन को एक यूनिक लुक भी देते हैं, क्योंकि ये फ़ोन व्हाइट कलर का है, इसमें बटन रेड कलर के, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इसको प्रेस करने में भी काफ़ी फीलिंग अच्छी आती है और आपको भी अच्छी फीलिंग आ सकती है। नीचे हमारा भी लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके। अब बारी है असली टेस्ट की कि इसमें जो फ्रंट 2 स्पीकर दिएंगे आखिर में काम करते भी है नहीं, तो चले देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक नॉर्मल साउंड चलाया, उसके बाद उसी साउंड को मैंने एक सॉफ्टवेयर के जरिए स्टीरियो कर दिया ताकि अलग अलग स्पीकर से आवाज़ आए। तो सबसे पहले सुनते हैं नॉर्मल साउंड से। इस फ़ोन का साउंड भाई बहुत ही लाउड है और इसमें जो मैंने स्टीरियो साउंड चलाया शायद आपको महसूस ना हुआ, जब आप ये पर्सनली यूज़ करेंगे तब भी आपको फील होगा कि वाकई इस फ़ोन में स्टीरियो साउंड आता है।
इस फोन में जो रियर कैमरा दिया गया शायद 2 मेगापिक्सल का हो, लेकिन इस प्राइस टैग में नोकिया के जो दूसरे स्मार्टफोन आते हैं या दूसरे किसी स्मार्टफोन के साथ कंपेयर किया जाए तो भाई इसकी क्वालिटी में एवरेज कहूँगा, अच्छी क्वालिटी है इस प्राइस टैग के लिहाज से और काफ़ी डिसेंट आपको क्वालिटी देखने को मिलती है कैमरा के भी। ओवरऑल अगर इस फोन की बात करें तो भाई इसका स्पीकर भी काफ़ी अच्छा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और इस फोन का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। आज की वीडियो के लिए हम कोलैबोरेट किया है चुगताई मोबाइल के साथ में, जो कि पर्सनली मेरी अपनी शॉप है। अगर आपने कोई भी फ़ोन बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं, आपको फ्री डिलीवरी के साथ में आपका फ़ोन आपके घर सेफली डिलीवर कर दिया जाएगा। लास्ट पर अगर बात करें इसकी प्राइस की तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस 6,700 रुपये रखी गई है। बिल्ड के लिहाज से देखा जाए तो भाई नोकिया पर वैसे भी टच टैग काफ़ी अच्छी बिल्ड देता है और प्राइस की बात करें तो भाई प्राइस तकरीबन 500,000 रुपये कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्राइस टैग के लिहाज से भी मैं कह सकता हूँ ये अच्छा फ़ोन बनाया नोकिया ने। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन चाहिए कीपैड में तो भाई ये फ़ोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसमें स्पीकर जो है मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आए, आप इसकी तरफ जा सकते हैं, अच्छा फ़ोन बनाया नोकिया ने। और हाँ मैं ये बताना भूल गया, इस फ़ोन में आप 2 सिम्स डाल सकते हैं और एक SD कार्ड को भी सपोर्ट करता है और ये दोनों ही 4G सिम को सपोर्ट करता है, आप 4G भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट भी अच्छा खासा चल ही जाता है इसमें। इसमें वाईफाई नहीं दिया गया लेकिन नोकिया को इस प्राइस टैग के लिहाज से वाईफाई देना चाहिए था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी भाई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल सब्सक्राइब की नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और भाई अच्छी लगी हो तो भाई अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना ताकि हम बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।